युवक समेत 10 की मौत हो गई। बता दें कि बताया जा रहा है ऑटो में सवार सभी 8 युवक हिसार छावनी में चल रही सेना भर्ती में शामिल होने गए थे और वहां से घर लौटते वक्त जब ऑटो में सवार होकर समराई गांव के पास पहुंचे तो वहां पर तेल टैंकर ने ऑटो को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो के परखच्चे तक उड़ गए। पुलिस की माने तो तेल टैंकर ओवर स्पीड में था, सामने से लाइट पड़ने के कारण ऑटो चालक को टैंकर नहीं दिखा। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गलती ऑटो चालक की भी है जिसने अपने ऑटो में 11 लोगों को बैठाया हुआ था, जबकि नियमों के मुताबिक एक ऑटो में चालक समेत 5 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। हांसी रोड पर 21 और रामराय के बीच पुड़िया के पास में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक तेल टैंकर ने एक ऑटो में हांसी हिसार भर्ती से आ रही 11 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिनमें से 10 एक्सपायर हो चुके हैं और एक इंजर्ड है जिसको पीजीआई रेफर किया गया है। और जो जिनकी अभी आसपास जो गांव के इनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन गांव में मैसेज किया गया है और शिनाख्त के लिए उनके परिवार वाले 8 लग रहे हैं। इनमें से कितने की पहचान हो रही है? अब तक 2 या 3 आदमी की पहचान हुई है।